जनवाद टाइम्स के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं सोहेल। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में एक और नर्सिंग ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव। अब तक इस अस्पताल से 4 स्टाफ हुए संक्रमित। दिल्ली सरकार के अस्पताल दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में एक और नर्सिंग ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव हुआ। दरअसल इसी हफ्ते सबसे पहले खबर आई कि इसी अस्पताल के एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद डॉक्टर के संपर्क में आए 19 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया। हालांकि टेस्ट के बाद शुक्रवार को 2 नर्सिंग ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अब शनिवार को भी एक नर्सिंग ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यानी कुल मिलाकर दिल्ली सरकार के अस्पताल दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में मेडिकल स्टाफ के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और अस्पताल में कैंसर के मरीजों का इलाज होता है। अस्पताल ने OPD पहले ही बंद कर रखी है। अस्पताल की कोशिश है कि एडमिट मरीजों को भी जल्द से जल्द दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए। वहीं देश में जारी कोरोना संकट से डॉक्टर भी अछूते नहीं हैं। देश भर में अब तक 50 से अधिक डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इसके साथ ही अब तक दिल्ली के 9 डॉक्टर कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। बीते बुधवार को भी सफदरजंग अस्पताल के 2 रेजिडेंट डॉक्टरों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। बताया गया था कि अस्पताल में COVID-19 मरीजों का इलाज कर रही टीम में शामिल एक डॉक्टर ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुआ है। वहीं जैव रसायन विभाग में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में तृतीय वर्ष की छात्रा महिला रेजिडेंट डॉक्टर के भी संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वह हाल ही में विदेश यात्रा पर गई थी। दोनों में COVID-19 के लक्षण दिखे और उनकी जांच रिपोर्ट 2 दिन पहले पॉजिटिव आई है। दोनों का सफदरजंग के पृथक वार्ड में इलाज चल रहा है। वहीं दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक के 2 डॉक्टर और कैंसर सेंटर का एक डॉक्टर भी संक्रमित पाया गया था। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते देश भर में चल रहे लॉकडाउन के बीच रोजाना संक्रमित मरीजों के नए अपडेट्स आ रहे हैं। बीते 24 घंटों के बीच राजधानी दिल्ली की तस्वीर बेहद चिंताजनक करने वाली है। दिल्ली में अब तक COVID-19 के कुल 386 संक्रमित मरीज हैं। जनवर टाइम्स से जुड़े रहने के लिए जनवर टाइम्स के न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।